प्रतिशत। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन घर के सुख सुविधाएं ग्रहण करने का रहेगा। हालांकि मन में चंचलता और अस्थिरता का भाव होगा। विद्यार्थियों को लैक ऑफ कंसंट्रेशन फील होगी। आज अपने घर की सुख शांति, पारिवारिक सुख शांति के बारे में अधिक ध्यान लगाएंगे। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, जमीन जायदाद कैसे बढ़े, इस पर ध्यान लगेगा। प्रियजनों के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसे अच्छी हो, माता के साथ आपके संबंध कैसे अच्छे हों, इस पर आज आप अधिक ध्यान लगाने वाले हैं। रात्रिकाल में शायद नींद कम आएगी। आज घर से ही अपने ऑफिस के काम भी निपटाने का प्रयास कर सकते हैं या फिर घर से कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। सेहत आज आपकी अपनी खुद की अच्छी है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। थोड़ी सी कंसंट्रेशन में कमी होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जो जातक हैं उनके लिए दिन अच्छा है। प्रेम प्रसंगों में धीरे धीरे वृद्धि का योग। दाम्पत्य जीवन की जो खुशियाँ हैं वह यहाँ पर मध्यम नजर आ रही हैं। कैरियर के लिहाज से दिन सुंदर है। जॉब करने वाले जो जातक हैं उन्हें आज ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाना है। थोड़ा लापरवाही वगैरह करने का मूड बन सकता है उनका, लापरवाही से बचने का प्रयास करें। बिजनेसमैन को नए निवेश नहीं करने हैं। इनकम के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और बचत करने में, माफ़ी चाहूँगा, इनकम अभी कम नज़र आ रही है और बचत भी अभी कम नज़र आ रही है। 17 तारीख के बाद से स्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी। चलिए सबसे पहली बात, आज ही के दिन यदि आपका कोई कॉम्पिटिशन है, कोई आपका इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का जो योग है वह बना हुआ दिखाई दे रहा है। दिन को बेहतर बनाने के लिए, कंपटीशन और इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको चाहिए कि आज आप खास तौर पर, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, केसर मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। यानी कि मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने काम पर निकलने से पहले अपनी माता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर काम पर निकलेगा, दिन आपके लिए बेहतर होगा। भाग्यवर्धक रंग आज आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, सफेद रंग और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहाँ पर 66%।